कोरोना के बीच साधन सहकारी समिति देवखेड़ा पर इफको कंपनी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को माफ कर सैनिटाइजर और बैग वितरित किए गए। किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के साथ ही उन्हें चौंका देने वाली कंपनी द्वारा साधन सरकारी समिति देवखेड़ा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों को माफ कर सैनिटाइजर के साथ ही बैग वितरित किए गए। कंपनी के पदाधिकारियों ने लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी दी। वहीं मंडल एरिया मैनेजर डॉक्टर राकेश यादव ने ग्रामीणों को बताया कि समय कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगा कर रहे और दूसरों के संपर्क में आने से पहले हाथों को सैनिटाइज करे, ऐसा करके हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। कार्यक्रम में आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये एक तो हमने सोसाइटी को, क्योंकि इसकी जो रिकवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है, यहाँ के किसान बहुत अच्छे हैं, जो सोसाइटी से खाद और बीज के रूप में जो पेमेंट जो उनको जो है ऋण मिलता है उसका समय से अदा करते हैं यहाँ पर, तो इसलिए इस सोसाइटी को बहुत अच्छा माना गया है। उसी के तहत इस सोसाइटी को क्रिप्को की तरफ से अंगीकृत किया गया है और अंगीकृत करने पर हम उस सोसाइटी को क्रिप्को की तरफ से निशुल्क फर्नीचर दे रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो है उस पर अपने यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं या सोसाइटी के सचिव हैं वो इस पर बैठ सकें। और एक इसी श्रृंखला में एक हमने कार्यक्रम रखा है, उसमें किसानों को बुलाया गया, तो किसानों को एक तो जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके बारे में हम उनको जो है बताएँगे कि इस बीमारी से हमें कैसे बचना है, और जो है उसके लिए मास्क जो है हम सभी किसानों को क्रिप्को की तरफ से निःशुल्क देंगे, और किसानों को यूरिया DAP जो रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग करते हैं उसका कैसे प्रयोग कम किया जाए उसके लिए हमने कृषि वैज्ञानिकों को यहाँ बुलाया, उसके माध्यम से हम किसानों को बताएंगे। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।